बच्चों हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और अब हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बच्चों इस ऑपरेशन को हम इस तरह से करेंगे स्क्वायर देन मीन देन रूट ऑफ द एसी करंट। बच्चों इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आरएमएस करंट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या है और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों मैंने कंसीडर किया कि किसी सर्किट से पास होने वाली एसी करंट दैट इज द आई और दैट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो बच्चों हमें इस ऑर्डर में ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों स्क्वायर करेंगे करंट का, सो फ्रॉम हेयर दैट इज द आई स्क्वायर, सो दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम इस स्क्वायर करंट का मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओवर द वन साइकिल, सो मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट ड्यूरिंग वन साइकिल। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम, सो मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, सो दैट इज द आई नॉट स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी ओवर द वन साइकिल। तो लिमिट लगाएंगे बच्चों जीरो टू टी, लिमिट जीरो टू टी, सो दैट इक्वल टू दिस इज द आई नॉट स्क्वायर। बच्चों आई की वैल्यू आपने पुट की, सो दिस इज द आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो फ्रॉम हेयर आई नॉट आई स्क्वायर दैट इज द आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी लिमिट जीरो टू टी अपॉन डी टी फ्रॉम जीरो टू टी। तो बच्चों ये करंट के स्क्वायर की मीन वैल्यू है ओवर द टाइम पीरियड टी यानी जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन जीरो टू टी डी टी। और बच्चों अगर मैं इसका रूट करूं, सो दिस इज कॉल्ड द आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चों हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, सबसे पहले हमने करंट का स्क्वायर किया है, उसके बाद में ओवर द टाइम पीरियड 0 टू टी हमने इस करंट का मीन फाइंड आउट किया है और उसके बाद में बच्चों हमने स्क्वायर रूट किया है, सो दैट इज द आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चों अगर मैं आई आर एम एस का स्क्वायर करूं यानी स्क्वायर ऑफ आई आर एम एस, सो दैट इक्वल टू लिमिट 0 टू टी दैट इज द आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डी टी। बच्चों फर्दर डिस्कशन और कैलकुलेशन के लिए मैं अब नेक्स्ट सीट पर चलता हूं। तो बच्चों प्रीवियस सीट से मैंने आई आर एम एस स्क्वायर की जो वैल्यू थी दैट इज द जीरो टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन इन जीरो टू टी डी टी। तो बच्चों जहाँ पर ये आपका आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो हम लिख सकते हैं दैट इज द आई नॉट स्क्वायर जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी। बच्चों एक रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो सिंप्लीफाई करूंगा ही, जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की जो वैल्यू होगी बच्चों दैट इज द टी बाई टू और इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी दैट इज द टी। मैं इसको सिंप्लीफाई अभी आपके लिए कर रहा हूं, सो फ्रॉम हेयर आई आर एम एस स्क्वायर दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, सो दैट इज द T by 2 upon integration of dt limit 0 to t, so that is the t. So from here I r m s square that equal to I naught square upon t
इंटू टी बाई टू. सो फ्रॉम हेयर आई आर एम एस स्क्वायर, सो दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू. और बच्चों यहां से लिख सकते हैं हम आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट आई आर एम एस दैट इक्वल टू I not upon under root 2. और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूं, सो आई आर एम एस दैट इक्वल टू 0.707 आई नॉट. इसको बच्चों आप ध्यान रखेंगे, सो आई आर एम एस वैल्यू ऑफ द करेंट दैट इक्वल टू 0.707 टाइम I नॉट, यानी 0.70 टाइम पीक वैल्यू ऑफ द करेंट. बच्चों इस रिजल्ट को मैं सॉल्व करके आपके लिए ये रिजल्ट लाता हूँ. तो बच्चों जहाँ से लिख सकते हैं हम दैट इज द I नॉट स्क्वायर 0 टू t और साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम लिख सकते हैं दैट इज द 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 इंटू डी टी एंड दैट इक्वल टू लिमिट 0 टू t डी टी. बच्चों ये रिजल्ट है आपका cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो बच्चों जहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. बच्चों मैंने यही काम किया है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है यहाँ पर, सो दैट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो सिंपल दैट इज द 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी. मैंने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की है और अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ. सो फ्रॉम हेयर आई आर एम एस स्क्वायर, सो दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 टू टी डी टी. और बच्चों t को लिख सकते हैं दैट इज द 2 पाई अपॉन ओमेगा वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. जरूरत पड़ने पर मैं इसको यूज करूंगा. सो फ्रॉम हेयर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सो दैट इज द I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज द इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों t होगा. मैं डायरेक्ट यहां पर t लिख देता हूं और फ्रॉम हेयर दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt. सो फ्रॉम हेयर दिस इज द I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 t एंड दैट इक्वल टू, तो आप यहां पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्टिवली. सो दिस इज द t एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t विद रेस्पेक्ट टू dt. सो विद रेस्पेक्ट टू t, सो दिस इज द माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा. और बच्चों लिमिट लगाएंगे आप 0 टू टी. और बच्चों यहां पर आप पहले अपर लिमिट रखेंगे और फाइनली आप लोअर लिमिट रखेंगे, यानी अपर लिमिट फंक्शन में माइनस फिर लोअर लिमिट. तो जहां से आप देखेंगे दैट इज द आई आर एम एस स्क्वायर दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी, हेयर इज द अपर लिमिट टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस दैट इज द 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा. तो प्रीवियस शीट से मेरा एक्सप्रेशन यहां तक आ चुका था और t की वैल्यू बच्चों दैट इज द 2 पाई अपॉन ओमेगा यहां पर पुट कर सकते हैं हम. सो आई आर एम एस का स्क्वायर,
सो दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी. सो फ्रॉम हेयर टी माइनस साइन टू ओमेगा एंड टी दैट इज द टू पाई अपॉन ओमेगा. और बच्चों नीचे है यहाँ पर आपका है टू ओमेगा माइनस जीरो. माइनस बच्चों यहाँ पर जीरो इंटू समथिंग है तो ये आपका जीरो होगा. साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है. सो दिस इज द जीरो माइनस जीरो. बच्चों देखिए यहाँ से आपका ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट होगा और ये होगा आपका साइन फोर पाई. यानी साइन फोर का पाई का मतलब जीरो डिग्री. यानी साइन फोर पार का मतलब बच्चों दैट इज द जीरो. ये टर्म आपका जीरो होगा. सो फ्रॉम हेयर आई आर एम एस स्क्वायर दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी दैट इक्वल टू टी एंड दिस इज द जीरो. सो दिस इज द टी माइनस जीरो. तो बच्चों आप लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर दैट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू. सो आई आर एम एस दैट इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू इंटू आई नॉट. और लिख सकते हैं इसको हम आई आर एम एस दैट इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट. तो बच्चों देखिए प्रीवियस शीट में मैंने क्या किया था, जहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी दैट इज द टी बाई टू. और सिंप्लीफाई करके मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी दैट इज द आई आर एम एस दैट इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू. यानी आई आर एम एस की जो वैल्यू है दैट इज द 0.70 इंटू पीक वैल्यू ऑफ करेंट. और फर्दर मैंने इसको आपके लिए सिंप्लीफाई भी किया है. और सिंप्लीफाई करके बच्चों आपकी आई आर एम एस की वही वैल्यू है दैट इज द आई आर एम एस दैट इक्वल टू 0.70 इंटू आई नॉट इन ए फुल साइकिल. तो बच्चों इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. अब हम रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर चलते हैं. तो बच्चों हमें बहुत ध्यान रखना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट दैट इक्वल टू 0.707 इंटू पीक वैल्यू ऑफ करंट.